दोस्तों स्वागत है आपका एपी गेम पे। आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं नाव और धारा से संबंधित, ठीक है। ये स्पीड एंड टाइम से हैं, लेकिन चलिए क्वेश्चन कर रहा है। एक व्यक्ति धारा की दिशा में नाव से 4 घंटे में 18 किलोमीटर की दूरी तय करती है और धारा के प्रतिकूल दिशा में 12 घंटे में वापस आ जाती है। बोले तो धारा के साथ जाती है तो 4 घंटे टाइम लगते हैं और वापस आती है तो 12 घंटे लगते हैं, ठीक है। दूरी हमारी सेम है, कितने दूरी है 18 किलोमीटर, ठीक है। अब चलिए इसको बनाने के से पहले आप एक चीज़ हमें याद रखिएगा कि अगर धारा के अनुकूल बोले तो क्या हो जाएगा आपका। धारा की ये अनुकूल बोले तो मान लीजिए S1 आपके नाव की गति हो गई और S2 आपकी धारा की गति, दोनों का योग हो जाएगा अनुकूल। किस स्थिति में? ये अनुकूल स्थिति में। अब चलिए S1 माइनस S2 हो जाएगा कब? प्रतिकूल स्थिति में, प्रतिकूल स्थिति में, ठीक है। अब देखिए धारा के अनुकूल स्थिति में हमारी स्पीड थोड़ी बढ़ जाएगी, जब स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम रहेगा, और धारा के प्रतिकूल स्थिति में क्या होता है, स्पीड कम हो जाएगी, और जब स्पीड कम होगी तो समय ज़्यादा लगेगा। यहाँ पर एक और चीज़ याद रखिएगा कि जो स्पीड का रेशियो होता है वो टाइम के रेशियो के ठीक उल्टा होता है। ये सब सेम डिस्टेंस के लिए है, ठीक ना। जब डिस्टेंस सेम हो तब, हर जगह नहीं अप्लाई होगा, जब दोनों में डिस्टेंस एक ही हो, दोनों स्पीड के लिए दोनों टाइम के लिए, उस स्थिति में आपका टाइम का रेशियो स्पीड के रेशियो के उल्टा होता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर एक बेसिक चीज समझिएगा कि S1 प्लस S2 कितना है, मतलब अनुकूल जो अनुकूल जाता है तो अनुकूल स्पीड कितना है। तो देखिए स्पीड निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना है आपका 18 किलोमीटर और टाइम कितना लग रहा है 4 घंटा, ठीक ना। चलिए तो टाइम 4 घंटा लगा निकालिए तो कितना होगा आपका 4.5 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि अनुकूल में गति कितना है, अनुकूल में गति है 4.5। अब प्रतिकूल में कितना है, S1 माइनस S2 प्रतिकूल में कितना है आपका, तो 12 घंटा में वापस आती है, कितनी दूरी वही 18 किलोमीटर ही दूरी, मतलब कि प्रतिकूल वाला स्पीड हमारा वही डिस्टेंस बाई टाइम, और डिस्टेंस है कितना हमारा 18/12 इक्वल टू 1.5 किलोमीटर पर आवर, 0.5, ठीक है। अब जहाँ तक कि आप जानते हैं दोनों समीकरण को हम जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो 2S1 इज इक्वल टू, ये तो कट जाएगा, कितना बचेगा 6 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में था, किलोमीटर पर आवर में था, यहाँ लिखे नहीं है, ठीक है ना। अब चलिए अब यहाँ 2 से कट जाएगा 3 बार में, S1 इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर। S1 क्या है, पहले हम बोल चुके हैं S1 क्या है, नाव की गति है, और S2 क्या है, धारा की गति है, ठीक है। तो चलिए अब हमारे पास नाव की गति आ गई तो धारा की गति निकल जाएगी, कैसे निकलेगी। चलिए प्रतिकूल में हमारी स्पीड है 1.5, अनुकूल में 4.5। अब हम नाव की गति में कितना और जोड़ेंगे कि 4.5 पूरी जा रहा है, या फिर समीकरण 1 से लेंगे, जो समीकरण हमारा 1 है इस समीकरण से हम लेते हैं, तो S1 का वैल्यू कितना है 3 प्लस S2 इज इक्वल टू 4.5, तो S2 इज इक्वल टू 4.5 इज माइनस 3 इज इक्वल टू 1.5 क्या है हमारा किलोमीटर पर आवर, ये हमारा धारा की गति आ गई ऑप्शन बी। तो यहाँ डायरेक्ट एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा कि अनुकूल स्पीड प्लस प्रतिकूल स्पीड बाय 2 कितना होता है, नाव की स्पीड, लिख देते हैं हम एक चीज जो कि हर क्वेश्चन में आपका अप्लाई होगा, ठीक है ना। अनुकूल स्पीड प्लस प्रतिकूल स्पीड बाय 2 इज इक्वल टू नाव की चाल, ठीक है ना। ये एक फॉर्मूला याद रखिएगा अगले किसी भी क्वेश्चन के लिए, ठीक है। बहुत ही जल्दी सॉल्व करना है तो बस भाई यही तरीका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है
एक व्यक्ति धारा के प्रतिकूल 750 मीटर 675 सेकंड में जाता है और 7.5 मिनट में वापस आता है। तो चलिए पहले हम निकालेंगे अनुकूल स्पीड क्या है और प्रतिकूल स्पीड क्या है, ठीक है। चलिए प्रतिकूल यहाँ निकालने के लिए क्या करेंगे, स्पीड इज इक्वल टू यहाँ प्रतिकूल स्पीड, ठीक है ना, प्रतिकूल अपस्ट्रीम, ठीक है, प्रतिकूल को अपस्ट्रीम बोलते हैं, अनुकूल को डाउनस्ट्रीम बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रतिकूल निकालने क्या करेंगे, स्पीड इज इक्वल टू कितना, डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस कितना है आपका 750 मीटर और टाइम कितना है 675 सेकेंड। अब चलिए एक चीज़ आपको यहाँ बताते चलें कि मीटर पर सेकेंड को अगर हमको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना होगा तो क्या करना पड़ता है, इसमें 18/5 से गुना करना पड़ता है, ये आपको मालूम होगी। चलिए हम गुना करते हैं, कितना से, 18/5 से, इसको काटेंगे हम 25 से, 30 बार में जाएगा, इसको काटेंगे 25 से, 25 में 50 और 175 सात बार में, 27 बार में जाएगा, ठीक है ना। 3 से काटेंगे 10 बार में जाएगा, 3 से काटेंगे तो ये 9 बार में जाएगा, 9 से कटेगा ये 2 बार, 5 से कटेगा ये 2 बार, अच्छा जी 2 × 2 = 4। तो प्रतिकूल स्पीड हमारी कितनी निकल गई, 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब निकालेंगे हम अनुकूल स्पीड, अनुकूल स्पीड क्या करा, 7.5 मिनट में, डिस्टेंस तो सेम वही है 750 मीटर ही है। तो चलिए अनुकूल में चलते हैं, अनुकूल बोले तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस 750 और मिनट में है, ठीक ना। अब चलिए दशमलव हटाएंगे तो 10 ऊपर जाएगा। अब यहाँ पर मिनट में, मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से ऊपर गुना और नीचे 1000 से करेंगे, क्योंकि यह मीटर से किलोमीटर में हो जाए, क्योंकि हमारा आंसर किलोमीटर पर आवर में है, ठीक है। यहाँ चलिए 10 10 10 3 0 से 3 0 कैंसिल, चलिए 75 से 75 कैंसिल, क्योंकि दशमलव का हमारा 10 ऊपर चल गया है, आया कितना 6, बोले तो 6 किलोमीटर पर आवर। अब आप पिछले क्वेश्चन में फॉर्मूला आपको मालूम होंगे क्या, नाव की गति निकालने के लिए क्या करते हैं, हम अनुकूल और प्रतिकूल दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे। चलिए दोनों को जोड़ते हैं 4 और 6 आधा करेंगे तो 5, बोले तो हमारा नाव की गति कितनी हो जाएगी, नाव की चाल इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। उस हिसाब से हमारी धारा की गति कितनी हो जाएगी बताइए, धारा की गति 1 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, क्योंकि 1 किलोमीटर पर आवर होगी तो 5 से 6 अनुकूल में 1 प्लस हो जाएगा और प्रतिकूल में 1 माइनस होकर 4 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, शांत जल में उसकी गति, शांत जल में, तो जल की गति नहीं पूछा है, नाव की गति पूछ रहा है, या नहीं एक व्यक्ति की गति है 5 किलोमीटर, हाँ डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक और क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन था एक नाव शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है, वह धारा के प्रतिकूल उतनी ही दूरी धारा की दिशा के अपेक्षा 3 गुने समय में करती है। तो धारा की गति याद करें, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है लेकिन बहुत ही आसान। चलिए यहाँ पे नाव की गति कितनी दी गई है, नाव की गति दी गई है 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, 1 घंटे में 6 किलोमीटर, तो बात वही हुआ 6 किलोमीटर पर आवर। लेकिन आपको यहाँ इससे कोई भी मतलब नहीं रखना है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा, तो आपको पहले ही बता चुके हैं एक जो रेशियो वाला था, अब उसी को आपको थोड़ा यहाँ यूज़ करना है, ठीक है। चलिए देखिए 3 गुना समय लेगा कौन, अब बताइए यहाँ से, यहाँ लिखते हैं अनुकूल, यहाँ लिखते हैं प्रतिकूल, ठीक है, बस थोड़ा समझिएगा यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए टाइम किस में ज़्यादा लगेगा, अनुकूल में कि प्रतिकूल में, तो प्रतिकूल में, क्योंकि प्रतिकूल में हमारी स्पीड कम हो जाती है, तो प्रतिकूल में टाइम ज़्यादा लगेगा।
कितना ज़्यादा लगेगा, 3 गुना समय लगेगा। मान लीजिए अगर अनुकूल जाने में एक्स टाइम लगता है तो प्रतिकूल जाने में 3x टाइम लगेगा, ठीक है। तो हम पहले ही बता चुके हैं कि स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो के उल्टा होता है। तो हम टाइम के रेशियो को उल्टा कर देंगे तो हमारा स्पीड का रेशियो निकल जाएगा, कोई दिक्कत? चलिए अगर आप इसको फ्लिप कर दें यहाँ से यहाँ, 3x और ये x, तो ये हमारा क्या निकल गया, ये अनुकूल स्पीड और ये हमारा प्रतिकूल स्पीड, कोई दिक्कत? चलिए अब हम देखेंगे यहाँ पे कि हम अनुकूल स्पीड और प्रतिकूल स्पीड को जोड़ के आधा कर देंगे तो हमारी नाव की गति निकल जाती थी, पीछे फॉर्मूला में देखेंगे। तो 3x और 1x जोड़ेंगे तो कितना होगा, इसको जोड़ेंगे तो 4x होगा और इसका आधा कर देंगे मतलब 2 से भाग दे देंगे तो कितना होगा, 2x, ठीक है। 2x इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 2x क्या है आपका, नाव की चाल। लेकिन क्वेश्चन पहले से दे चुका है कि नाव की चाल आपका 6 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर पर आवर। तो x का मान कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। चलिए x का मान 3 हो जाएगा तो हम 3 यहाँ पुट कर देंगे, इसमें रखेंगे 3, तो यह हमारा हो जाएगा 9 और इसमें रखेंगे हमारा तो ये 3, ठीक है। अनुकूल स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर, प्रतिकूल स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर और नाव की स्पीड 6, ठीक है। तो धारा की गति क्या होगी, धारा की गति सिंपल दिख रहा है 3 है, क्योंकि 3 होगा तब ना, अगर हम प्रतिकूल में 3 जोड़ेंगे तो हमारा 9 आ जाएगा और 6 में 3 माइनस करेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा, जो कि हमारा प्रतिकूल है, ये हमारा अनुकूल है यहाँ, ठीक है, कोई दिक्कत। तो हमारी धारा की गति कितनी हो जाएगी, 3 किलोमीटर पर आवर। यहाँ आपको दो चीज़ समझना बहुत ही जरूरी है, क्या क्या समझना जरूरी है देख लीजिए। पहली चीज कि समान दूरी के लिए, याद रखिएगा क्या, सेम डिस्टेंस के लिए, डिस्टेंस सेम हो तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो के उल्टा होता है, पहली चीज। और दूसरी चीज कि नाव की चाल, किसकी नाव की जो चाल है वो कितनी होती है, अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम बाई 2, ठीक है। यानी कि प्रतिकूल प्लस अनुकूल स्पीड का आधा कर देंगे तो हमारी नाव की गति निकल जाएगी, कोई दिक्कत। और अनुकूल क्या होता है, अनुकूल में दोनों की स्पीड जुड़ जाती है, नाव की भी चाल जुड़ जाती है प्लस धारा की भी चाल जुड़ जाती है। प्रतिकूल में नाव की चाल माइनस धारा की चाल, ठीक है। एक और क्वेश्चन आपके लिए हम लाते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन, देखिएगा इस क्वेश्चन को देखिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, एक नाव 8 घंटे में 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल दिशा में जाती है जबकि 6 घंटे में 36 किलोमीटर धारा की दिशा में जाती है। धारा की दिशा बोल दे तो मतलब वह अनुकूल, ठीक है, और धारा की विपरीत दिशा बोल दे मतलब कि प्रतिकूल, ठीक है। चलिए तो 8 घंटे में 40 किलोमीटर जाती है प्रतिकूल, तो प्रतिकूल स्पीड कितनी हो जाएगी, प्रतिकूल स्पीड कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस कितना है 80 किलोमीटर, टाइम कितना है आपका 8 इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, कोई दिक्कत, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए अगला चलता, अगला क्या आपका, धारा की दिशा मतलब कि अनुकूल स्पीड, अनुकूल स्पीड, ठीक ना, ये कितने हैं, डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस आपका 36, टाइम 6, मतलब 6 किलोमीटर पर आवर, कोई दिक्कत। अनुकूल स्पीड प्रतिकूल स्पीड मालूम है, उससे पूछ रहा है नाव की गति, नाव की गति क्या होती है, अनुकूल और प्रतिकूल स्पीड को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 5 11 11 में 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, 5.5 किलोमीटर पर आवर, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो
तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही छोटे छोटे ट्रिक के लिए, ठीक है? ट्रिक नहीं बोलेंगे, बेसिक बोलेंगे, ठीक है? थैंक यू।